दोस्तों, अगर आप भी विराट के फैन हैं, महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान आईपीएल खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट की वजह से हारा बेंगलुरु, अब गुस्से में गौतम गंभीर ने उड़ाया विराट का जमकर मजाक। केवल यही नहीं, बेंगलुरु की शर्मनाक शिकस्त के बाद सुरेश रैना से लेकर युवराज सिंह, यहां तक कि खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी हार का ठीकरा विराट कोहली के सिर पर फोड़ते हुए झोंका। उनको सुनकर कोहली के फैंस का दिल ही टूट जाएगा। तो आखिर किसने विराट को बता दिया है विलन? किसने बेंगलुरु को आईपीएल इतिहास की सबसे खराब टीम बताया? कौन है विराट से नाराज? उन सब के बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट गंभीर और धोनी में कौन सबसे महान आईपीएल कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, समय बदल गया, साल बदल गया, 17 सालों से एक ट्रॉफी के लिए तरस रही बेंगलुरु की कहानी 2024 में भी नहीं बदली। मैच शुरू होने से पहले बेंगलुरु के फैंस जमकर शोर मचाते हैं, उन्हें लगता है कि बेंगलुरु से बेहतरीन टीम कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है, बेंगलुरु फैंस का मुंह छुपाने के लिए भी जगह नसीब नहीं होती। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हमें देखने को मिला। जी हाँ, राजस्थान के खिलाफ आईपीएल 2024 के 19वें मैच में विराट कोहली ने एक लाजवाब पारी खेली थी, वह भी उस समय जब उनकी टीम का कोई अन्य खिलाड़ी 10 रन बनाने में भी नाकामयाब हुआ। अकेले दम पर लोन वॉरियर की तरह विराट ने पहले डुप्लेसी के साथ 125 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया, फिर डुप्लेसी के 44 रन बनाकर आउट होने के बाद कोहली अंत तक डटे रहे और 12 चौके 4 तूफानी छक्कों से सजी 113 रनों की भयंकर पारी खेल डाली। आईपीएल में उन्होंने अपना 8वां शतक पूरा किया, जिसकी वजह से बेंगलुरु 20 ओवर में 183 रनों का सम्मानजनक स्कोर बना पाई। लेकिन दोस्तों, इतना लक्ष्य राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाजी क्रम को रोकने के लिए काफी कहां था। हालांकि यशस्वी का विकेट तो उन्हें बहुत जल्द मिला, लेकिन जॉस बटलर के साथ संजू ने उसके बाद अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाया जिसके सामने बेंगलुरु की उम्मीद और उनके गेंदबाज दोनों सूखे पत्तों की तरह हवा हो गए और दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। संजू ने 69 रनों की बेमिसाल पारी खेली और जॉस बटलर ने अंत तक नाबाद रहते हुए 9 चौके 4 खतरनाक छक्कों की बदौलत 58 गेंद पर अपना तूफानी शतक ठोका और फिर अपनी टीम को 19.1 ओवर में ऐतिहासिक जीत दिला दी। इसके बाद विराट कोहली के भी आंसू रुके नहीं, क्योंकि उनका शतक बेकार हो चुका था और इतिहास लिखने के बाद भी विराट कोहली केवल मजाक बन गए। यहां तक कि कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों ने भी विराट कोहली को ही विलन बना दिया। जी दोस्तों, सबसे पहले तो सुरेश रैना का कहना है कि बहुत दुख होता है जब आप अपनी टीम के लिए शतक मारे और आपकी टीम हार जाए, इससे बुरी फीलिंग और कुछ भी नहीं होती। मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, विराट कोहली के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि बंदा हर बार अपना 100% देता है लेकिन फिर भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। कहीं ना कहीं बेंगलुरु विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी को डिजर्व नहीं करते। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो गौतम गंभीर का बेहद ही हैरतअंगेज बयान निकल कर सामने आ, जहाँ गौतम गंभीर ने कह दिया, यही तो मैं पहले से बोलता आया हूँ, जिन्होंने कुछ जीता ही नहीं लेकिन एटीट्यूड इतना है जितना उनके पास सब कुछ हो। विराट ने सेंचुरी मारी, अच्छी बात है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उसका? आपने आईपीएल इतिहास की सबसे धीमी सेंचुरी मारी है और आपकी टीम इतने छोटे से अंतर से हार गई। यदि विराट तेज खेलते, बेंगलुरु 200 रनों के आसपास बना पाती तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। विराट कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं, वो उन्हीं की टीम पर बहुत भारी पड़ता है, लेकिन उनके फैंस को यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, मुझे मालूम है। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर ने तो अब कोहली फैंस को आईना दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग का कहना है, इसमें कोहली की गलती नहीं है, उन्होंने कम से कम रन तो बनाए, सेंचुरी तो मारी, दूसरे खिलाड़ियों ने क्या किया, कोई 10 रन भी नहीं बना पाया। ऐसे टीमें नहीं जीतती हैं, एक अकेला खिलाड़ी कितने रन बनाएगा? क्रिकेट टीम गेम है और जब तक एक टीम में से कम 4-5 खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस न दे, तब तक आप कभी भी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। मुझे नहीं लगता कि बेंगलुरु इस बार भी प्लेऑफ में जाएगी। केवल यही नहीं दोस्तों, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी विराट से नजर आए। उन्होंने कहा कि विराट कोहली में वह इंटेंस और जुनून नजर नहीं आया जो अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए चाहिए होता है। विराट ने रन बनाए, सेंचुरी मारी, इसके लिए उन्हें ढेरों बधाइयां, लेकिन अंत में सब बेकार हो जाता है जब आपकी टीम नहीं जीतती। विराट भले ही शतक न मारे, लेकिन यह एक बहुत तेज पारी खेलते तो मैच पर बड़ा इंपैक्ट होता। यहाँ पर विराट ने भले ही शतक मारा, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं बेंगलुरु मैच में पिछड़ी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस यही कामना है कि विराट अच्छा करते रहें और कम से कम बेंगलुरु को एक बार तो आईपीएल चैंपियन बनाए, मैं उनके साथ हूँ। तो दोस्तों, अलग अलग दिग्गजों के अलग अलग ओपिनियन निकल कर सामने आए हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या विराट की वजह से बेंगलुरु हारी है? क्या बेंगलुरु अभी भी आईपीएल 2024 की चैंपियन बन सकती है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।